वर्ल्ड में ऐसी दाल वर्ल्ड में नहीं मिल सकती। ये देहरादून से चलते हैं, मसूरी से चलते हैं, हरिद्वार से चलते हैं तो सोच के आते हैं कि पापा जी के यहाँ ये दाल खानी है। ये बिना प्याज बिना लहसुन के होती है। बोले जो मेरठ के अंदर घूम रहे हैं और मेरठ के अंदर ना एक ऐसी दाल दिखाने के लिए लेके आए हैं, दाल। मैं दाल इसलिए कह रहा हूँ कि जो दाल ना 75 सालों से बनती जा रही है और एक ही दाल के पीछे ना लोग इतने दीवाने हैं। कहाँ पर आए हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना, चलो मेरे साथ दिखाता हूँ, आ जाओ। ये इनका ढाबा है सरदार जी का, पापा जी दाल वाले। देखो जी, शाम का टाइम है, मेरे हिसाब से 7:30 बज रहे हैं शाम के और अभी कोई डिनर का टाइम नहीं हुआ, तो फिर भी लोग यहाँ पे आके अपने घर के लिए पैक करवा के ले जा रहे हैं और खाने वाले खा के जा रहे हैं। वीर जी, सत श्री अकाल जी। अपने पापा जी दाल वाले कैसे स्टार्ट हुआ? पापा जी दाल वाले हमारे दादाजी ने काम स्टार्ट किया था, जब पार्टीशन हुआ था उस समय दादाजी आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने अपने घर से ही काम स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे फादर ने हमारे दादाजी के साथ काम किया, उसके बाद फादर के बाद हम अपना संभाल रहे हैं इस काम को। तो अपनी स्पेशलिटी क्या होती है वीर जी? अपनी स्पेशलिटी दाल है, खोया मटर आलू है, रायता है, खीर है, ये अपने 4 आइटम सबसे ब्रांडेड हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं दादाजी के टाइम से। ठीक है, बाकी और जो है आइटम वो हमने बाद में ऐड किए हैं सारे। अपनी ये दाल बनने में कितना टाइम लगता है वीर जी? 12 से 16 घंटे का टाइम लगता है। तो अपने टाइमिंग दादा वीर जी, टाइमिंग क्या रेट, क्या टाइमिंग होता है? सुबह 12 बजे से रात के 11 बजे तक, 11 बजे ऑफ। अच्छा, थोड़ी लोकेशन भी समझा दो अपनी, लोकेशन क्या पड़ेगी? लोकेशन है मेरठ मॉल है, उसके जस्ट ऑपोजिट है। फिर जी एक बात और बताओ कि कौन सी जनरेशन आ गई? ये 4th जनरेशन आ गई, ये जो खड़ी है ये 4th जनरेशन है हमारी। अच्छा, तो फिर जी दिखाओ आपके पास क्या क्या होता है। दाल है हमारी उड़द चने की दाल होती है। ठीक है, ये हमारे ग्रैंड फादर के टाइम से यही दाल चली आ रही है, जो अभी तक हमने चेंज नहीं करी है। ठीक है जी, ये मशहूर दाल है जो जिसकी वजह से पब्लिक देहरादून से सोचती है कि हम आ रहे हैं और पापा जी के दाल वालों के यहाँ खाना खाएंगे। ये देहरादून से चलते हैं, मसूरी से चलते हैं, हरिद्वार से चलते हैं तो सोच के आते हैं कि पापा जी के यहाँ ये दाल खानी है। ये पतीला जो है ये शुरू से ये पीतल के पतीलों में ही खाना बनता है। ठीक है, और ये देखिए कितना पुराना, कितना सब सोचते होंगे ये पता नहीं कैसे पतीला पुराने से रखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो स्वाद है अलग, ये पीतल के पतीलों में ही खाना बन रहा है जब से दादाजी के टाइम। कोयले के ऊपर पकती नहीं, पकती तो रहती है भट्टी, तो शुरू से खाना इसी पे बनता है, कोयले पे ही बनता है। अच्छा, कोयले पे ही बनता है। हाँ। मतलब जो चीज कोयले पे बनती है उसका ऑलरेडी मतलब एक्चुअली टेस्ट ही बड़ा अलग निकल के आता है। टाइम इसी में लगता है बनने में, क्योंकि ये कोयले गैस में तो 10 मिनट में ही बन जाएगी दाल। आप घर ढाबे के अंदर जो भी चीज बनती है और कोयले की आंच पे बनती है, गैस का यूज करते नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो जी, ये बनाई जा रही है जी भट्टी, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे ना तो ये भट्टी दोबारा से तैयार करते हैं। कितना टाइम लगता है इसको बनने में दाल में? इसमें 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। 12 से 14 घंटे लगते हैं। ये दोबारा नहीं बन सकती, एक बार बन गई तो ये दोबारा नहीं बन सकती। अच्छा, 12-14 घंटे लगेंगे। फिर वो अगले दिन ही मिलेगी आपको? अगले दिन ही मिलेगी आपको। वीर जी, ये कौन सी दाल है आपकी? ये अपनी दाल मखनी है। दाल मखनी? हाँ जी, दाल मखनी है ये। मतलब आपके पास दो तरह की दाल होती है? हाँ जी, एक तो मसूर दाल जिसके जो मशहूर है, जो पुराने सबसे पुराने दादाजी के टाइम से चल रही है, जिसकी चर्चा शुरू से चलती आ रही है। हाँ जी, और ये हमने बाद में स्टार्ट किया है, ये बिना प्याज बिना लहसुन के होती है। बिना प्याज बिना लहसुन की होती है? प्याज होता है इसमें ना, लहसुन होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्वाद पब्लिक जब खाती है तो अल्टीमेट ही होता है। अच्छा जी, तो ये इनकी दाल है, ये देखो जी दाल मखनी। दो तरह की दाल होती है, एक तो इनकी जो फेमस दाल है वो तो है ही है, और जो दाल मखनी खाना चाहता है हाँ जी वो उनके लिए ये स्पेशल दाल है, दाल मखनी। ये अपना पनीर बटर मसाला है। पनीर बटर मसाला, क्या बात है जी, ये रंगत देखो जी, कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। पापा जी दाल वालों की स्पेशल पनीर बटर मसाला। पनीर में खाना होता है तो पनीर बटर मसाला ही आइटम है, ये सबसे लाजवाब जो टेस्ट है इसका। क्या बात है जी, ये क्या आइटम है आपकी? ये अपना कढ़ाई पनीर है। कढ़ाई पनीर है? कढ़ाई पनीर। क्या बात है जी, ये सरदार जी का स्पेशल कढ़ाई पनीर है जी, ये देखो जी। और ये शाही पनीर? ये शाही पनीर। क्या बात है जी, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इनकी जो भी सब्जी बनती है ना, जो भी दाल सब्जी जो भी बनती है, अब ये देखो आपको यहाँ पे उबाले से नज़र आ रहे होंगे, ये किसका कमाल है, ये यहाँ देखो जी, ये इन्होंने लगा रखी है जी भट्टी। भट्टी का कमाल है, सारा दिन कोयले पे बनती रहती है, कोई भी आइटम को टाइम मिलता है ना बनने में, धीरे धीरे पकती रहती है, धीरे धीरे रचती रहती है, उसका टेस्ट लाजवाब निकल के ही आता है। वीर जी, रोटी के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास? रोटी एक तो सादी रोटी होती है जिसे तंदूरी रोटी कहते हैं, प्लेन रोटी, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, परोठे, नान, बटर नान, स्टफ नान, प्लेन नान, स्टफ गार्लिक नान, प्याज परोठा, पनीर परोठा, रोटी में सारे ऑप्शन है, सारे जो कस्टमर को चाहिए वो मिलेगा। तो भाई इनका ये एक सेटअप अलग से लगा हुआ है, जहाँ पे ये इनकी मतलब सिग्नेचर डिश बनती है, सिग्नेचर डिश तैयार होती है,
दाल। यहाँ पे है जी आलू मटर खोया, आलू मटर खोए की सब्जी है। पहले की आंच पे धीमी धीमी आंच पे पकती रहती है तो टेस्ट निकल के आता है लाजवाब वाला। और यहाँ पे गर्मा गर्म परौंठे, लच्छे परौंठे, मिक्सी रोटी, लच्छा बटर नान सब लगी जा रहा है। ये जी प्याज के परौंठे, ये देखो जी ये इनका मेन्यू है। ये देखो वर्ल्ड में ऐसी दाल वर्ल्ड में नहीं मिल सकती। मैंने लगभग पूरे इंडिया में ठीक है ऐसी दाल मैंने कहीं नहीं खाई। नहीं खाई? क्या बात है जी, गजब गजब। तो भाई ये आ गए जी लच्छे, कितना सारा बटर आ गया जी। जितना हैवी लच्छा नहीं हो उससे ज़्यादा बटर आ गया जी। ये देखो जी अब इसको काट के जो एक्स्ट्रा बटर होगा वो निकाल दिया जाएगा। ये देखो जी क्या बात है जी, ये देखो जी बिल्कुल बटर में लथपथ लच्छे आ गए जी। ये देखो जी अब इसकी कटिंग कर दी जाएगी। तो भाई अपनी प्लेट बनवाते हैं, सीधा मिलते हैं टेबल पे आपको। तो भाई अपनी प्लेट लगने जा रही है जी। ये देखो जी इनकी सिग्नेचर डिश जो है इनकी दाल है वो आ गई जी। अब आ गए जी ये भी सिग्नेचर डिश है इनकी। ये दो चीज़ तो मस्ट ट्राई करनी बनती है यहाँ पे। ये पनीर बटर मसाला आ गया। अब आ गई जी दाल मखनी। दाल मखनी के साथ अब आएगा जी एक आइटम और रहेगी शाही पनीर। ये प्लेट तैयार हो गई है जी अपनी। ये देखो जी अपनी थाली तैयार हो गई है। तो भाई हमारी थाली तैयार हो गई है, मिलते हैं सीधा टेबल पे। तो जैसे आपको पता ही है कि मेरठ का टूर मेरे भाई के साथ ही हो रहा है, एक दो चीज़ तो ये ट्राई करके जरूर बताएगा आपको। लेकिन तो आपने देख लिया है, सो लेट्स ट्राई, टेस्ट कैसा ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखो ये है जी इनके लच्छे परांठे, चार पांच लेयर के लच्छे परांठे वो एकदम मक्खन के साथ लथपथ। थोड़ा सा इनका स्पेशल अचार टेस्ट करते हैं, खोया आलू मटर के साथ टेस्ट करते हैं। ये जी इनका अचार खोया आलू मटर बहुत बढ़िया। एक दाल भी ट्राई करो जिसके लिए लोग दीवाने हैं यहाँ पे, पापा जी दाल वालों के यहाँ पे आते हैं। ये देखो इनकी दाल देखो जी, जो चीज हमें भी खींच कर लेके आती है ना यहाँ पे वो है ये पापा जी वालों की। जैसे सुधार जी ने बताया कि दाल बनने में ना 12 से 14 घंटे लगते हैं। और इनके यहाँ की खासियत है कि यहाँ सिलेंडर यूज होता ही नहीं है, कोयले की धीमी धीमी आज पे फूड बनता है उसका टेस्ट बड़ा लाजवाब निकल के आता है। जो दाल बनती है ना तकरीबन 40-45 लीटर एक पतीले में बनती है, पीतल का पतीला कोयले से बनती है, क्या लाजवाब शानदार वाला मजा है। ये है इनकी दाल मखनी। ये देखो पंजाबी में कहते हैं ना रड़ी हुई दाल, पूरी प्रॉपर रड़ी हुई दाल है। दोनों दालों की बात करूँ ना, दोनों दालों को मेरी तरफ से थम्स अप है। ये देखो ये है जी सरदार जी का शाही पनीर। जब बनता है ना ये, इसके अंदर हम दूध डालते हैं और मैं कह सकता हूँ कि दूध वाला शाही पनीर है ये एक तरह का। नेक्स्ट चीज ट्राई करते हैं पनीर बटर मसाला, लाजवाब। पापा जी दाल वाले ना सिर्फ अपनी चार चीजों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले ये वाली दाल ठीक है जी, उसके बाद ये आलू खोया मटर की सब्जी, तीसरा इनका रायता, चौथी इनकी खीर। दो लोग आ रहे हो, तीन लोग आ रहे हो तो ये सिर्फ ये चार चीजें मंगवा लेना, इनफ है। साथ में मंगवाना इनके लच्छे परांठे, बड़े ही शानदार वाले हैं। और लास्ट चीज मेरी ये ट्राई करने रहेगी है खोया आलू मटर। सिंपली बोलूंगा वाओ, लाजवाब शानदार मजेदार जायका। मेन्यू भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, प्राइस आप मेन्यू में देख लेना, बहुत मतलब नॉर्मल ढाबे वाले प्राइस है। इनकी दाल फेमस है ना, उतनी ही इनकी खीर, उतनी ही इनका रायता। ये देखो जी ये इनकी खीर, सब कुछ A1 है। खीर की बात करूं, रायते की बात करूं, लाजवाब शानदार मजेदार है। उससे ऊपर भी कोई वर्ड है ना वो है, कभी मेरठ आ रहे हो, मेरठ की तरफ से दिल्ली जा रहे हो या हरिद्वार की तरफ जा रहे हो ना, मेरठ के अंदर पापा जी दाल वाले, लंच करना चाहते हो, डिनर करना चाहते हो, शाम के टाइम भी खाना चाहते हो ना, खाना 12 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 11 बजे तक ओपन रहता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, जब मर्जी आगे खाओ। मैं इंजॉय करता हूँ, आपको इंजॉय करना है, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ का फोन नंबर, यहाँ की गूगल लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।